थैंक यू. कोई स्पेशल पूछने वाले हो? कौन सी वाली बात पे? मैं इसको बहुत खुशी से सपोर्ट करती हूँ क्योंकि दिस वन रिकग्नाइजेज द एफर्ट्स जो हम जैसे लोग पुट इन करते हैं. एंड इस दफ़ा तो मुझे और भी ग्रैंड लग रहा है. बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड आई वेरी हैप्पी टू बी हियर. फुली सपोर्टिव. सिर्फ देश, वर्ल्ड में नहीं. बहुत प्राउड हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाती नहीं हूँ. मैं तो सबसे कहूँगी कि सैटरडे संडे मंडे तीन दिन पड़ रहा बॉम्बे के लिए. आप सैटरडे संडे जो मर्ज़ी करें, मंडे को हमें आपकी उंगली पे वो निशान चाहिए. हर किसी से मेरी ये
विनती है कि आप ज़रूर जाएं वोट करें एंड एंजॉय दैट इफेक्ट. थैंक यू. Am I supposed to talk? Yeah. Ready? हाय. फर्स्टली साउथ इंडिया से मैं अपने आप को रिलोकेट इसी साल किया है मैंने. जनवरी एंड में मैं बॉम्बे आई हूँ एंड कईयों से पहले ही मेरी पहचान थी. एंड न्यूली आई एम मीटिंग मीडिया, आई एम मीटिंग फोटोग्राफर्स, आई एम अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस. वहाँ पे कुछ 40 फिल्मों में काम किया है और यहाँ पे बहुत नया नया माहौल है, बहुत ताज़ा लग रहा है सब कुछ. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू फर्स्ट इवेंट्स ऑफ माई लाइफ दैट आई एम अटेंडिंग इन बॉलीवुड. काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग इवेंट. एंड यहाँ पे बॉम्बे में मैं कुछ काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट सुन रही हूँ. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन बॉलीवुड दिस ईयर एंड मीट ऑल ऑफ यू मोर ऑफन. मैं मेरे डैडी के बाद अगर मेरे और के ड्रीम हीरो थे एज अ चाइल्ड, आई फेल इन लव विद शाहरुख खान आफ्टर आई वॉच बाजीगर. तो येस, आई थिंक ही विल ऑलवेज बी माई ड्रीम हीरो. बट आजकल के नौजवान जो बहुत काफ़ी नए जेनरेशन आ गए हैं, जैसे राजकुमार राव, विकी कौशल एंड सो मेनी, कार्तिक आर्यन, आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद दीज गाइज. देयर ब्रीज ऑफ फ्रेश एनर्जी एंड आई समवेयर रियली फील लाइक आई कनेक्ट विद द न्यू जेनरेशन. थैंक This is the first time I'm at the Maharashtra Achievers Award and it's I've read so much about it, I've seen so much about it, so it's great to be here. I can tell you more after I'm done with it. I can't speak about the projects yet. I did a film last with Rajnikant sir, which released recently, so you'll hear about it soon. Thank you. थैंक्स यार, बहुत भारी है, मतलब असली में भारी है, वैसे भारी नहीं. कांग्रेचुलेशन, और खास शाम है आज महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड 2019. क्या कुछ कहना चाहते हैं?
मैं थोड़ा मराठी में कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे बस की नहीं है क्योंकि मैं नाम का रानी हूँ. और इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी हियर. माई ग्रैंड फादर वॉज फ्रॉम रत्नागिरी एंड सारी मराठी जब कोई पुलिस में जब कोई कॉप पकड़ते हैं सिग्नल पे तभी निकलती है, दिल से निकलती है तब मराठी. लेकिन उसके अलावा मैं बड़ी काफ़ी अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट प्रैक्टिस द लैंग्वेज अ लॉट बिकॉज आई ग्रो अप इन ग्वालियर. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आई एम वेरी हैप्पी दे हैव इनवाइटेड मी. एंड कहीं ना कहीं मेरे फोर फादर्स देख रहे होंगे, दे वुड ऑल्सो बी प्राउड. आई थिंक अप्रिसिएशन इज एवरी थिंग. सिंस जब से आप बच्चे थे तो आप कुछ भी अच्छा करते थे तो आपके पेरेंट्स आपको एक टॉफी या कुछ देते थे. स्कूल में दे यूज टू कॉल यू आउट एंड मेक यू स्टैंड. मुझे दूसरे रीजंस की वजह से स्टैंड कराया जाता था क्योंकि मैं होमवर्क नहीं करता था. लेकिन जो अच्छे घर में कुछ अच्छा करते हैं या स्कूल में कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हमेशा पुरस्कार दिया जाता है. तो आई थिंक अप्रिसिएशन इज़ एवरी थिंग, क्योंकि एक दिमाग के अंदर एक पार्ट होता है, रिवॉर्ड एरिया होता है वहाँ पे, जो जब वो क्लिक होता है तो वी फील वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी अकम्प्लिश्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सर थॉट प्रोसेस यही है कि कहीं ना कहीं जैसे आपको याद रह गया अगर वो, तो वही मेरी कोशिश है और इससे ज़्यादा मेरे बस में कुछ है नहीं. मेरी कोशिश ये है कि लोग जो भी देखें उनको याद रह जाए कुछ, उसमें से कोई एक चीज़ उनके दिमाग को दिल को टच करे. कोशिश यही है, अभी भी वही कोशिश है. इट्स अ लवली जर्नी वेयर वन हैज़ टू फाइंड हिज ओन फुटिंग. सो उसी में हम लोग सब लगे हैं. हाँ, आई थिंक घर पे कंप्लेंट हम लोग करते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके वोट करेंगे तो हमें ज़्यादा कंप्लेंट करने का हक है. बस मैं इतना ही कहूँगा, बाहर जाइए वोट करिए, उसके बाद अपनी राय आगे रखिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सर नाम सजेस्ट कर रहा है महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड्स, अच्छा लगता है. जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ से आपको ऑनर मिले और तारीफ मिले तो अच्छा लगता है. तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए. देखिए पहले भी मेहनत करता था, अब भी मेहनत ही करूँगा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दूंगा. अच्छी फिल्मों में का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है और लोगों का प्यार मिल रहा है. तो मेहनत करता रहूँगा आगे ऊपर वाले पे. और
ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये मेरे भाई भी आजकल हाउ इज द जोशी पूछते हैं मुझसे तो अच्छा लगता है जब भी कोई आपके किरदार का नाम या कोई आपके डायलॉग इतना रेजोनेट कर जाए तो हमेशा अच्छा लगता है। पर रियल उसके जो विजेता होते हैं वो तो राइटर होते हैं जिन्होंने सोच के लिखा होता है। तो आदित्य धर को मैं श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने हाउ इज द जोश पैदा किया। तो थैंक यू, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं, पहले भी कहानी देखता था, अब भी कहानी देखता हूँ, तो बस वही है, थॉट प्रोसेस कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, मैं सबको बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा, इलेक्शन आ रहे हैं, जाकर वोट कीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। कोई जल्दी नहीं है, इधर तो लाइन भी नहीं लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हर फील्ड के लोगों को जो उनको मिलना चाहिए वो मिलता है। आई थिंक रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमको आधे टाइम पता भी नहीं चलता क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा कोई और चीज़ में लोगों का ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है। तो मेरे लिए भी बहुत एजुकेशनल होती है ये चीज़ें एंड आई फील रियली प्राउड कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं जो इतनी अमेजिंग चीज़ें करते हैं। तो सारे विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वोट कीजिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंट्री हमारे हाथों में और हम यंग लोग वोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थैंक यू। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं?
कौन सी पिक्चर में गुड़दुना है मेरा? तू किधर निकाला है? अच्छा आपका लेफ्ट. थैंक यू. यस. I'm very happy to be here और महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड है मेरा पहला आई थिंक महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड है ये मेरे करियर का सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर एट दिस इवनिंग. मेरे लिए अवार्ड्स भी मायने रखता है रिवॉर्ड्स भी मायने रखता है. आई थिंक ऑडियंस का प्यार बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जब लोग आपके मेहनत को रिकोगनाइज करें एंड दे यू नो रिकोगनाइज इट विद सम अवार्ड्स आई थिंक दैट्स ऑल्सो अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. बहुत जल्दी हम लोग एक अपनी रिलीज डेट अनाउंस करने वाले हैं तो यस बहुत अच्छा रहा. आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन दिस कंट्री और हमने पहले साथ में क्वीन की है और मेंटल क्या अभी हमने साथ में की है तो हमेशा इट्स ऑलवेज गुड फन टू वर्क विद हर. सबके अंदर है यार मतलब हु एम आई टू से कि किसके अंदर है या नहीं है. आई थिंक सबके अंदर है. आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा काम और इंडस्ट्री में कि इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिल रही है एंड इट इंस्पायर्स मी अ लॉट. जब मैं कोई अच्छा काम देखता हूँ स्क्रीन पे तो मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिलती है. ये कहना चाहेंगे कि इलेक्शन आ रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वोट सो आई वॉन्ट टू जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी आउट देयर टू प्लीज़ गो आउट एंड कास्ट योर वोट बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर दैट वी हैव इन अ डेमोक्रेसी. Thank you. जी शुक्रिया. फर्स्ट ऑफ़ ऑल अवार्ड्स के लिए तो ऑब्वियसली इट फील्स ग्रेट वेन एवर ऐसे अवार्ड मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है समाज में और इट डेफिनेटली इंस्पायर करता है हर स्पोर्ट्समैन के लिए. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड फॉर मी इन माई पर्सनल लाइफ. जी मैं कहना चाहूँगा कि खाली घर बैठ के देखिए मत, बाहर आइए, वोट कीजिए और ये हमारा हक है और इस पे ज़रूर इसका यूज़ कीजिए. प्लीज़ गो एंड वोट. थैंक यू. थैंक यू.
Ready? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड यानी कि सम्मान हर एक व्यक्ति के लिए जो महाराष्ट्र में रहते हैं, और मैं मानती हूँ कि इससे प्रोत्साहित होते हैं इंडिविजुअल्स. आते हुए दिन में फेमिना को बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहती हूँ, ईटी को भी, और यही कहना चाहती हूँ कि जो कला और जो क्षेत्र से लोग आते हैं महाराष्ट्र में, वो सही मायने में भारत की शान है. Femina has always discovered new talent, and I'd like to compliment them for encouraging young talent, and most importantly for it being a brand based out of Maharashtra. Maharashtra Achievers Award really felicitates all those whose dreams have been accomplished and those who need to strive further. ये साल अच्छा था, इंशाल्लाह अगला साल भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा. वेल, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू बी हियर, बीन एसोसिएटेड विद फेमिना, बीन एसोसिएटेड विद फिल्म फेयर, सो इट्स ऑलवेज फन टू बी हियर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट्स इवनिंग. I'm told that I'm presenting an award, and I would also want to find out what happens tonight. Oh, who doesn't like to be, you know, appreciated? And I think it's just a, it adds to your fuel when you get an award, just to work more, you know, harder, better. So yeah, awards are nice. Well, one vote can make a difference, so make a difference. Do make a difference. क्या गिर चुका है, मुझे नहीं पता है, सॉरी. क्या गिरा है? ब्रिज गिरा है. वेल, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू हैंडल, एंड आई थिंक थिंग्स लाइक दीज विच कैन यू नो कॉज इन टू कैजुअलिटीज, दे नीड टू बी टेकन सीरियसली एंड दे नीड टू बी एड्रेस्ड. थैंक यू. सुनील सर, मैं बहुत खुश हूँ कि दो बड़े ब्रांड्स इकोनॉमिक टाइम्स और फेमिना ने मिलके महाराष्ट्र अचीवर अवार्ड्स आज इनिशिएट किए हैं.
और बहुत खुशी है कि जो अपने महाराष्ट्र में अचीवर्स है अलग अलग विविध क्षेत्रों में, उनको आज रिकग्नाइज किया जा रहा है और दिस इज़ रियली हेल्पफुल कि वो फर्दर इंस्पायर हो और अच्छे काम करने के लिए, और लोग भी जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो भी इंस्पायर होंगे। I'm not sure whether I can speak about it in this platform, but यही कहूँगी कि आप काम देख के वोट कीजिए।